हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी के पीछे कौन सी कथा है। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर बिगड़े काम बनते हैं। व्रत करने से उपासकों के साथ साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत करने से सारे बिगड़े कार्य बनते हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कामिका व्रत कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह कामिका एकादशी का बहुत ही खास महत्व होता है। कामिका एकादशी हर महीने की दोनों पक्षों की एकादश तिथि को रखा जाता है। इस बार यह श्रावण मास में आई है, इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। आइए इस व्रत की कथा सुनते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन करें और कृपा करके उनकी कथा सुनाए। कृष्ण ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक ठेठ ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं थी। आपसी झगड़े के कारण ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला, पर इस पर नाराज ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर खाना खाने से मना कर दिया। ठाकुर अकेला पड़ गया और वह खुद को दोषी मानने लगा। ठाकुर को एक बार अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मन ही मन महसूस करने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई और उसने एक दिन एक मुनि से अपने पापों का निवारण करने का तरीका पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें कहा कि कामिका एकादशी का उपवास करने से आपके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। ठाकुर ने ऐसा ही किया। ठाकुर ने व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन कामिका एकादशी के दिन जब ठाकुर भगवान की मूर्ति के निकट सोते हुए मिले तो उन्हें एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा और सपने में भगवान ने उसे बताया, ठाकुर आपके सभी पापों को हटा दिया गया है और आप ब्राह्मण हटिया के पाप से भी मुक्त हो चुके हैं। इसलिए इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये चेतना से सभी नकारात्मकता को नष्ट करता है और मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है। तो दोस्तों, ये कामिका एकादशी के पीछे कथा थी जो आज हमने आपको बताई। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना भी मुफ्त है। धन्यवाद।